आपने तालीम की तरफ तवज्जो दी और माशाल्लाह यहाँ सॉरी तालीम की तरफ आपने काफी तवज्जो दी और बहुत से लोगों को यूरोप में बैरून ममालिक पे भेजा। और ये जो बैरून ममालिक में हमारे लोग सेटल हैं, यहाँ काफी पढ़े लिखे और तजर्बाकार लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि किसी तरीके से इनको वहां पर दोबारा इन्वॉल्व किया जाए? आपने किया भी है बहुत से लोगों को, तो उनके बारे में कोई मैसेज है कि जो यहाँ पर लोग सेट हैं, अमेरिका में सेट हैं, दूसरी कंट्रीज में सेट हैं, यूरोप में? देखें, इन्वॉल्व जबरदस्ती नहीं हो सकते कि आए आप जी पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में मौके डेवलप करेंगे और हर चीज वही वापस आती है इकोनॉमी पे, इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी और यूनिवर्सिटी, जैसे हमने यूनिवर्सिटीज खोली बहुत सी डबल कर दी हमने यूनिवर्सिटीज, और उन यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड इम्प्रूव कुछ डाले हमने कि इनको इम्प्रूव किया जाए। वहां एमएससी जो है वही एमएससी को पढ़ा रहा है, पीएचडी भी कोई नहीं, तो हमने फिर पीएचडी प्रोग्राम्स बनाए, हमने इनकी तनख्वाहें बढ़ाई। जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे लोग खुद आएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। 250 पीएचडी जब यहां से आए थे यूनाइटेड स्टेट से और इधर इंग्लैंड से आए हैं और यूरोप से हमारे अपने, मैंने उनको ऑडिटोरियम में एड्रेस किया था टू थैंक देम दैट दे हैव कम बैक, तो मैंने थोड़ी बुलाया था, खुद आए, तनख्वाह अच्छी कर दी थी हमने और अपॉर्चुनिटीज थी। हु डजंट वांट टू कम, देखें जी हर आदमी आना चाहता है अपने पाकिस्तान में, अच्छा रहे, ज्यादा कमाए, ज्यादा बिजनेस करे और ज्यादा कमाए, तो ये खुद आए। तो अपॉर्चुनिटीज हमें पाकिस्तान, अब जब इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं कर रही हो, जॉबलेसनेस बढ़ रही हो, तो कौन आएगा पाकिस्तान में? ऐसी थोड़ी होता है। तो आपको पॉलिसीज बनानी है और ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना है, फिर ही लोग खुद आएंगे।